प्लीज डेड बीच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो होलीनेस यहाँ पे था वो मिलना चाहता था बेसिकली भाई बुढ़ऊ से, तो जो एजाबेला थी वो लेके जा रही थी, तो कमरे के बाहर यहाँ पे आ जाते हैं तो सामने से एजाबेला कहती भाई आ गई, तो कमरे के बाहर भी एक बीच यहाँ पे खड़ी थी, वो कहती हाँ अंदर जो होलीनेस ना वो गॉड स्टोन के साथ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ना कोई गॉड स्टोन यहाँ पर निकाल के रख दो ताकि भाई उनका जो एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत ना आ जाए, तो बुढ़ी के पास जो यहाँ पे था ना वो निकाल के यहाँ पे रख देता है, उसके बाद अंदर जाने का परमिशन यहाँ पे मिलता है। तो जैसे अंदर जाता है होली ने सामने यहाँ पे खड़ा था वही बिशप सामने से, हेलो बुढ़ा कैसे हो भाई मिलके अच्छा लगा। आप सोचोगे भाई एक सेकंड बिशप यार इसको तो जीरो ने जहाँ से मार डाला था ना मारने के बाद उसकी जगह यहाँ पे ले ली थी, हाँ तो जो बिशप है ना वो रियल बिशप नहीं, वो रियल वाला मारा गया है, ये बेसिकली जीरो यहाँ पर है जिसने उसका रूप यहाँ पर लिया हुआ है, और ये बात बुढ़े को नहीं मालूम कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ है, तो बुढ़े को तो ऐसा लगता है ये रियल वाला बिशप है। उस सामने से बिशप यानी जीरो कहते कि भाई आओ आराम से कुर्सी पर बैठो और एन्जॉय बैठ के बातचीत करते हैं। सामने सो कहता नहीं भाई आई नो अभी के लिए हम लोग एक कमरे में हैं, आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन रूल रूल होता है, रूल ये है कोई बंदा क्यों ना हो बिशप की आई मीन होलीनेस की इज्जत करना जरूरी है, इसलिए भाई हम भी तुम्हारी इज्जत यहाँ पे करते हैं। वो कहता भाई मैं हूँ भाई रूल मैं ही यहाँ पे बनाता हूँ, तो टेंशन मतलब बैठो आराम से बैठ जाते हैं। सामने से कहता बिशप आई मीन जीरो यार कि आई मीन जो रिपोर्ट यहाँ पे ना रिपोर्ट है ना मैं एजाबेला द्वारा पूछ सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बोला कि भाई मुझे आपके मुँह के द्वारा सुनना था, बताओ भाई क्या चालू है आजकल। सामने से ये कहता कि भाई हमको ना भाई विचेस पकड़ना था, तो हमने विचेस पकड़ने के लिए अपने को सोल्जर के यहाँ पे भेजा था और हमको टोटल तीन विचेस मिली थी, हमने तीन को कैप्चर कर लिया, लेकिन एक यहाँ पे फाइटिंग बीच निकल गई बड़ी तेज और बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी, उसने हमारे सोल्जर को मारा, वो मार के वहाँ से भाग के निकल गई, अभी देखे ना उस विच का कोई भी पता नहीं है, उसने हमारे टोटल 16 सोल्जर को मार डाला जिसमें से तीन सोल्जर ना आगे चल के यहाँ पे गॉड पनिशमेंट आर्मी के भी मेंबर यहाँ पे बनने वाले थे, तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि अगर अगली बार ना बीच पकड़ने के चक्कर में ऐसा हुआ तो लिटरली ना सारे सोल्जर बीच पकड़ने से डरेंगे भी कि हाँ भी 16 बंदी की जान निकल गई अगली बार हमारी जान निकल जाएगी। तो जो सुंदर जीरो कहती है कि टेंशन मतलब भाई फाइटिंग बीच निकल के दीजिए चक्कर में उसको पकड़ नहीं पाए, ज्यादा अगर विचेस फाइटिंग नहीं होती, फाइटिंग विचेस बड़ी रेयर होती है, यानी ऐसा कांड ना जल्दी वापस से नहीं होगा, लगभग दो गॉड पनिशमेंट आर्मी है ना एक फाइटिंग विच के बराबर यहाँ पे होते हैं, यानी भाई चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी के लिए ना भाई जो बिस्टो का हमला ना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो हमें ढेर सारे बंदों की जरूरत पड़ेगी जो कि बिस्टो के साथ फट करके हराने में यहाँ पे मदद करे। बुढ़ा कहता है कि भैया यार बिशप मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस की, होलीनेस बनने के बाद ना तो ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा मेच्योर यहाँ पे हो चुका है, तो ये देख के मुझे भी अच्छा लगा, चलते हो अब गुड न्यूज भी हल्का सा हम सुना यहाँ पे देते हैं। तो जो बैड न्यूज तो मैंने सुना दिया, गुड न्यूज बेसिकली ये है कि जो विचेस तो भले यहाँ पे मर गए लेकिन जो हम कब्जा वब्जा यहाँ पे करना चाहते थे ना और हमने जो कब्जा यहाँ पे कर लिया था एवर विंटर और वुल्फ ऑफ किंगडम में, लेकिन वहाँ के ढेर सारे बंदे लोग ना मना कर रहे थे भाई हमको तुम्हारे गुलाम नहीं बनना, तुम्हारे अंडर में आना नहीं चाहते, लेकिन ढेर सारे फैमिली लोग ना तैयार हो गए हमारे अंडर में आने के लिए दोनों किंगडम से, तो ये गुड न्यूज है। और जी चक्के में जो हमारा रेवेन्यू होता ना जो पैसे हम लोग हासिल कमाते हैं इस वाले ना पहले से डबल यहाँ पे कमाएंगे जो कि हमारा विकास करने के लिए और विचेस को पकड़ने के लिए और गॉड पनिशमेंट आर्मी बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे यूज में आने वाला है। और दो किंगडम जिस पे अभी तक हमने कब्जा नहीं किया जिसमें एक डाउन किंगडम आता है दूसरा गे कैसे किंगडम आता है, वहाँ पर ढेर सारे बंदे हमारे खिलाफ ऐसे थे भाई हमारे खिलाफ नारा लगा रहे थे भाई चर्च में तुम ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बंदों को चोरी चुपके से भेज के उन बंदों को भी सुमड़ी में ठिकाने लगा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वेल उनकी भी बैंड बजी पड़ी है, हाँ उनकी भी बैंड बजी पड़ी है। सबसे पहली बात है ना ये गे कैसे किंगडम में जो किंग यहाँ पे बना है ये उससे कोई काम धंधा अच्छे से होता नहीं है, उस किंगडम वैसे भी आधे बर्बादी के कगार पर जा चुका है, और सेकंडली जो डाउन किंगडम है वहाँ पर भी भाई हमेशा लफड़ा चल रहा है, तो वो भी समझो धीरे धीरे बर्बादी के घर पे जा रहा है। जो सुंदर जीरो कहती है गुड गुड, तो जो हमारा प्लान यहाँ पे था ना विंटर के बाद हमला करने के लिए डॉन किंगडम पे ग्रे कैसल पे कर दो, जो सुंदर सामने से बुढ़ा कहता है केवल डायरेक्ट सीधा चेंज कर दोगे क्या ऐसा क्यों, जो सुंदर ये कहता है तुमने खुद बोला दोनों बर्बादी के घर पे आ चुके हैं, हम पहले किसी पे भी हमला करें कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है, और अभी के लिए मालूम है सबसे मेन वाला टारगेट मेरा कौन है वो प्रिंस रोलैंड। तुमने एक बात यहाँ पे नोटिस किया क्या, दूसरे किंगडम वाले ने हमला करने की कोशिश की, उसके भाई ने हमला करने की कोशिश की, चर्च वालों ने भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा, उसकी जो पावर ना धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते जा रही है, और अब तक जितनी भी उसने जंग किया ना तीन या चार जंग उसने टोटल कर लिया है एक भी जंग यहाँ पे हरा नहीं है, और ऐसा लगता है वो कुछ ना कुछ ना अपने किंगडम में आई मीन अपने सिटी में डीप प्लानिंग कर रहा है, और मुझे लगता है जो डीप प्लानिंग है ना वो डीप प्लानिंग हमारे खिलाफ ही नहीं चर्च के खिलाफ यहाँ पे कर रहे, इसलिए सबसे पहले वहाँ के ग्रे कैसल किंगडम में कब्जा करके उसकी बैंड बजाओ और मैं तुम्हारे पर ही भरोसा कर सकता हूँ बुढ़ाऊ। जो सुन दो भी कहते ओके ठीक है होलीनेस हो जाएगा, इतना बोलने के बाद वहाँ से निकल जाता है। जैसे वहाँ निकलता है जो जीरो यहाँ पे थी अपने रियल रूप में आती है, अपने जीरो के फॉर्म में आती है, आप सोचो भाई इसके पास तो रूप चेंज करने की एबिलिटी नहीं थी, इसने रूप कैसे चेंज कर लिया, अरे दूसरी जो यहाँ पे बीच थी भाई जो बॉडी गार्ड का काम कर रही थी वो इल्यूजन बना सकती है, उसने इल्यूजन बेसिकली उसके बॉडी के आसपास बनाया था जी चेक में, वो देखने पे बिशप जैसी लग रही थी, तारीफ करती हो कहती वाह यार क्या तूने इल्यूजन यहाँ पे बनाया,
आया, मुझे खुद को पहचान नहीं पा रही थी, वो भी कह दिया यार तारीफ के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, ये कह दिया हाँ भी तारीफ तो मैंने कर दिया, लेकिन भाई मुझे सारी मेमोरी ना बिशॉप की मिल चुकी थी, उसकी मेमोरी में मुझे जो बातें मालूम चली ना लिटरली काफ़ी बोरिंग काफ़ी फीकी फीकी थी। तभी सामने से इज़ाबेला कह दी हाँ लेकिन तुमने भाई उसकी मेमोरी द्वारा जो प्रिंस के बारे में बातें बताए ना रोलैंड के बारे में सच्ची में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमारा मेन प्लान है डेमन को हराने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना हम लोग डेमन को हरा नहीं पाएंगे बल्कि प्रिंस ही डेमन को यहाँ पे हरा देगा। जो सुनते वो जो तीसरी बीच यहाँ पे थी ब्लैक वाइल जिसका नाम था, ब्लैक वाइल मतलब होता है भाई नकाब यानी ब्लैक नकाब, सामने से कहती है केवल एक सेकंड तू हमको धोखा देके प्रिंस के पास जाना चाहती है क्या। जो सुनते इज़ाबेला कहती है कि धोखा नहीं है तुम धोखेबाज मुझे कह नहीं सकते, लेकिन सच्चे में यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भाई मैं किसी के साथ में यहाँ पे रहूँ, क्योंकि भाई हमारा मेन टारगेट क्या है डेमोस को रहना, इंसानों के यहाँ पे बचा के रखना, प्रिंस भी तो यहाँ पे चाहता है तो भाई चाह भी सकती हूँ उसके साथ, कोई भरोसा नहीं है। ब्लैक वाइल को गुस्सा था कि कमीनी साली, सामने से जीरो कहती है शांत हो जाओ झगड़ा यहाँ पे मत करो, देखा जाए तो भाई ठीक ही है, चलो भाई साबित यहाँ पे कर लेंगे कौन ज़्यादा बढ़िया भाई, हमारा चेस यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया या उस प्रिंस का वीच यूनियन, जो देखते भाई कौन यहाँ पे हरा पाता है डेमन को, उसके बाद यहाँ पे शीश होता जो हैंडसम नाइट यहाँ पे था उसके बाप की ओर, अगर आपको याद होगा तो उसके हैंडसम नाइट का दूसरा भाई भी था, वो भाई ना ऐसा आर्मर वार्मर पहन के घोड़े पर बैठ के जाने को तैयार था, बाप कहता बेटा तू कहाँ जा रहा है, वो कहता जो लॉर्ड मेड है यहाँ पे ना लॉर्ड मेरे से यहाँ पे मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि लॉर्ड मैंने ना एक बेसिकली ना एग्रीमेंट यहाँ पे किया भाई किंग के साथ, किंग मतलब जो सेकंड भाई के साथ, ये कह दो जो स्ट्रॉन्ग हाउस सिटी है ना स्ट्रॉन्ग हाउस सिटी में जाके कब्जा यहाँ पे करना, अगर तुमने कब्जा करवाने में यहाँ पे मदद कर दी तुम सबको इनाम वगैरह यहाँ पे मिलेगा। ढेर सारे अलग अलग फैमिली के बंदों ने यस यहाँ पे बोल दिया, मैंने भी यस बोला इसलिए आप उन भी यहाँ पे जा रहा हूँ, देखना भाई आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा ताकि आपको भी मेरे ऊपर गर्व हो। जो सुनते सामने से बाप कहता सम्मत कर भाई, राय नाम का जो बंदा यहाँ पे था वो भी प्रिंस के खिलाफ यहाँ पे कहता है एंड में उसकी बैंड बज गई, और अभी के लिए स्ट्रॉन्ग हाउस सिटी पे कब्जा करना यानी प्रिंस के खिलाफ जाने के बराबर, तो भाई तुम कैसे जीतोगे। जो सुन दो बेटा कहता डोंट वरी, क्योंकि भाई किंग के पास है नहीं स्वर बड़े कमाल कमाल के वेपन यहाँ पर है, ऐसे गन पाउडर है जो कि प्रिंस भी उसका था, यानी प्रिंस का और रोलैंड का जो भी मतलब प्रिंस का और किंग का जो भी पावर लगो बराबर है, यानी ईश्वर हमारी जीतोगी हमारे किंग यहाँ पे जीतेंगे, हल्ला बोल इतना बोल के वो तो निकल जाता है। नौकर यहाँ पे तो भी कहता है मालिक यार आपको रोकना चेतनों से, ये कहता भाई मैं क्या यहाँ पे मुंह लेकर बैठा था यार, मैंने रोकने की पूरी कोशिश की ना यार बातें मैंने सुना नहीं, उसको लगता वाकई में उसने पंगा यहाँ पे लिया और यहाँ पे वो जीत जाएगा तो वो मुश्किल यहाँ पर है, लेकिन यार मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत भी सकते क्योंकि एक तो मेरा बेटा भी मिल गया और चार और भी बड़ी बड़ी फैमिली यहाँ पे मिल गई है और सबके सब ने किंग के अंडर में आएंगे, अभी जो प्रिंस है जो सब लोग ना आराम से वहाँ पे रहते हैं भाई क्या बोलते हैं बॉर्डर सिटी में यहाँ पे रहते हैं, और जो डेमन मंथ है उससे भी खत्म होने में 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा, उतने में जो आर्मी वाले तो निकल चुके हैं, प्रिंस को शायद आइडिया भी नहीं पड़ा होगा, तो हो सकता उतना देर में ना कब्जा वब्जा करके यहाँ पे सब कुछ कर दें, लेकिन अगर उन्होंने कब्जा कर लिया ना भाई कोई विकास यहाँ पे नहीं होगा। स्टार्टिंग में अगर ऐसा कुछ होता मैं भी कोई टेंशन लेता नहीं, लेकिन प्रिंस के मिलने के बाद ना मुझे मालूम चल चुका है प्रिंस यहाँ पे दिल के भी अच्छे हैं और चलाक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ऊपर से भाई मेरे अब छोटा बेटा और मेरी बहू भी वहाँ पे काम करती है हमारे यहाँ सेक्टर अगर सब वहाँ पे ही काम करते हैं, इसे सुनो मेरे नौकर ये जो भी खबर है ना भाई कि ऐसा ऐसा हो रहा है उनके खिलाफ वेस्टर्न एरिया में कब्जा करने के लिए, जाके बता दो भाई और तुझे बताना ही पड़ेगा सबकी भलाई के लिए। नौकर भी कहता ओके ठीक है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।